मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर कनेक्टेड नाउ। आई एम स्वप्ना एंड वेलकम टू वीलन चैनल। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट एंड दैट इज मैथ्स। आज हम गणित की तरफ बढ़ रहे हैं, आज हमारा फर्स्ट सेशन है। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सी द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस सेशन में, या सेशन मध्ये आपण मूळ संख्या, समष्ट संख्या, विषम संख्या ह्या जे बेसिक्स आहे मॅथ्स, ते आज शिकणार आहोत। मित्रांनो, मी सांगू इच्छिते की आपल्या टीईटीच्या परीक्षेमध्ये मूळ संख्या म्हणजे प्राइम नंबर्स पे क्वेश्चन्स आतेही आते हैं, एंड वी कैन से दैट व्हेन देयर आर सो क्वेश्चन्स कमिंग ऑन प्राइम नंबर, हमको ये टॉपिक पढ़ना कितना जरूरी है। फ्रेंड्स, प्राइम नंबर डिफिकल्ट नहीं है, हम सब ने, आपने, मैंने, हम सब ने वी हैव स्टडीड फ्रॉम अवर स्कूल डेज। आज हम रिवाइज करेंगे एक ही वीडियो में, विल ट्राई टू कंप्लीट इट। मेरी कोशिश है कम से कम वक्त में वी ट्राई टू कंप्लीट मोर एंड मोर। सो बिगनिंग टू द पॉइंट, वी आर गोइंग टू स्टडी प्राइम नंबर। पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले वी आर गोइंग टू सी बिगनिंग बेसिक्स। व्हाट इज दैट इज, फर्स्ट इज, व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स काय आहे मित्रांनो? सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर्स किसको कहते हैं? तो सिंपल डेफिनेशन आपको भी पता है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। जे नंबर दोन्ही डिवाइड होऊ शकतात त्यांना आपण म्हणतो इवन नंबर्स, सम संख्या। जे नंबर्स दोन्ही डिवाइड होत नाही, भागाकार जात नहीं, त्यांना आपण म्हणतो विषम। इंग्लिश में भी हम कहते हैं ऑड नंबर, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 17 है, 11 है। ऑल दिस नंबर्स, ये जो नंबर्स है ये डिवाइड 2 से नहीं होंगे, 2 के टेबल में नहीं आते हैं। सो वी कैन से कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, सो दीज ऑल आर ऑड नंबर्स, विषम संख्या। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते, दोन्ही भागाकार जातो, जसं की 6 ला दोन्ही भागाकार जाऊ शकतो, 8 ला, 2 4 जा 8, 10 2 5 जा 10। सो जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं उसे कहते हैं इवन नंबर्स। नाउ मूविंग टू ऑड इवन के बाद वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर प्राइम नंबर्स। फ्रेंड्स, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स का मराठी मध्ये म्हणतात मूळ संख्या, मराठी में उसे कहते हैं मूळ संख्या। आणि टीईटी मध्ये मूळ संख्येवर प्रश्न पुष्कळदा येतो, क्वेश्चन पेपर से मी एनालिसिस केला आणि त्यामुळे ठामपणे सांगू शकते की ह्या विषयावर प्रश्न पुष्कळ वेळा आलेले आहेत किंवा येऊ शकतात, आणि म्हणून आपण शिकणार आहोत व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, जो नंबर 1 से बड़ा है, यानी 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर असूच शकत नाही, विच आर ग्रेटर दॅन 1 अँड विच आर डिव्हिजिबल बाय 1 अँड द नंबर इटसेल्फ। डेफिनेशन थोडी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वाटते, इजी मेथड में आपको बताते हूँ। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 से बड़े हैं और जो नंबर के 2 फैक्टर से, यानी जो नंबर खुद के टेबल में आते हैं, नंबर 2 है तो वो खुद के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। द नंबर विच इज डिवाइडेड, किंवा ज्या नंबरला स्वतः तो नंबर भागाकार करू शकतो, किंवा 1 ह्या नंबरने तो त्याचा भागाकार होऊ शकतो, डिवाइडेड बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ, या उलट आपण म्हणूया तो नंबर जो स्वतःच्या टेबल मध्ये येतो आणि 1 च्या टेबल मध्ये, जसं की 2 ही संख्या ही कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येते? 1 च्या टेबल मध्ये येते, 1 के टेबल में आती है, 2 3 जो है, 3 ये जो नंबर है ये कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। सो इसके 2 फैक्टर्स है, 2 के 2 फैक्टर्स है। 4 कौन से टेबल में आता है फ्रेंड्स? 4 1 के टेबल में आता है, 2 2s are 4, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो 4 ये नंबर 3 टेबल में आता है, 1 के टेबल में, अपने टेबल में आता है, 4 के टेबल में, नंबर के टेबल में और 2 के टेबल में। सो दिस इज नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि डेफिनेशन हमें कहती है, डेफिनेशन ही सांगतं
जो नंबर स्वतःच्या टेबल मध्ये येतो आणि एकच्या टेबल मध्ये, दुसऱ्या कोणत्याच टेबल मध्ये तो येऊ शकणार नाही. तर टूच्या टेबल मध्ये येतो फोर म्हणून कट. सिक्स ही संख्या पाहूया, वनच्या टेबल मध्ये येते, टूच्या टेबल मध्ये येते, थ्री के टेबल में आती है और सिक्स, तो ये चार टेबल में आती है, तो डेफिनेटली सिक्स ये प्राइम नंबर नहीं है. पांच फाइव कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येतो, वन आणि फाइव फक्त दोनच टेबल मध्ये येतो, म्हणून फाइव हा प्राइम नंबर आहे. आता तुम्हाला कळलं असेल, अब आपको समझ में आया होगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स वन नंबर वन से ग्रेटर यानी वन नहीं है, जो नंबर अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में, इजी मेथड ट्रिक है ये, या सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं. सिर्फ दो टेबल में आता है, अपने टेबल में और वन के टेबल में, सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है, खुद से और वन से, सिर्फ दो फैक्टर से. ये समझ में आइए तो आपको समझ में आएगा व्हाट आर प्राइम नंबर्स. फ्रेंड्स सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड. एक ते हंड्रेड पर्यंत, शंभर पर्यंत कोण कोणते प्राइम नंबर्स आहेत. तर मित्रांनो, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन आणि पुढे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाईन हे सगळे प्राइम नंबर्स आहेत हंड्रेड पर्यंत. सगळ्यात बिगेस्ट प्राइम नंबर टू डिजिट प्राइम नंबर आहे नाइन्टी सेवन आणि सगळ्यात स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर आहे इलेवन. मित्रांनो, प्राइम नंबर्स टू थ्री फाइव सेवन आपण पाहिलं हे फक्त स्वतःच्याच टेबल मध्ये येतात आणि वनच्या टेबल मध्ये येतात. तर हे सगळे जे प्राइम नंबर्स आहेत हे तुम्ही एकदा पाहून घ्या, कदाचित तुमच्या लक्षात राहील टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाईन हे सगळे प्राइम नंबर्स. टोटल ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स आहे वन टू हंड्रेड. किती प्राइम नंबर्स आहे, वन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स आहे टोटल. पंचवीस नंबर्स आहेत जे प्राइम नंबर्स आहे एक ते शंभर पर्यंत. मित्रांनो, परीक्षेमध्ये कधी कधी असा प्रश्न येतो की वन टू टेन ह्या संख्येच्या दरम्यान किती प्राइम नंबर्स आहेत, टेल अस व्हॉट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स. वन टू फिफ्टी व्हॉट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स. तर त्यावेळेस आपल्या जो वेळ कमी असतो, हमारे पास वक्त कम रहता है, हमको फिर लिखना पड़ता है टू थ्री फाइव सेवन एंड फिर वी हैव टू काउंट. सो इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं हाउ टू फाइंड आउट नंबर्स फ्रॉम वन टू हंड्रेड, कितने कितने नंबर्स है. तो सगळ्यात इजी ट्रिक है मित्रांनो माझ्या सोबत, फोर्टी फोर नंबर लिहा, फोर फोर फोर्टी फोर याचा हाफ करा. फोर्टी फोर चा हाफ किती होईल, टू टू. पहिले फोर्टी फोर लिहा मग ट्वेंटी टू लिहा त्याचा हाफ, नंतर नंबर लिहा मित्रांनो थर्टी टू, नंतर कोणता नंबर लिहिणार तुम्ही थर्टी टू. फोर्टी फोर झाला, ट्वेंटी टू हाफ, नंतर थर्टी टू, या थर्टी टू चं उलट करा ट्वेंटी थ्री. कळलं, थर्टी टू लिहिलं त्याच्या आपण उलट केलं ट्वेंटी थ्री आणि शेवटचा नंबर आहे ट्वेंटी वन. लक्षात ठेवा ही ट्रिक आहे, फोर्टी फोर अर्ध ट्वेंटी टू, थर्टी टू त्याचं उलट ट्वेंटी थ्री आणि शेवटी एकवीस नंबर. ही ट्रिक आहे आपल्याला, सोपी ट्रिक आहे टू फाइंड आउट एक ते शंभर पर्यंत किती प्राइम नंबर्स आहे. तर पहिला नंबर घ्या फोर, किती आपला डिजिट, तर वन टू टेन पर्यंत फोर प्राइम नंबर्स असतात. ट्रिक पहा, वन टू थ्री फोर बरोबर फोर प्राइम नंबर्स आले वन टू टेन. दुसरा नंबर घ्या फोर, टेन टू ट्वेंटी दहा ते वीस पर्यंत अजून चार प्राइम नंबर्स असतील बरोबर, इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाईन्टीन. असंच करत आपण शेवटपर्यंत येऊ, ट्वेंटी टू थर्टी दोनच प्राइम नंबर्स आहे. टू नंतर परत काय आला, दोन संख्या, मग काय आली तीन, मग काय आली दोन, मग काय आला दोन तीन दोन एक. नव्वद ते शंभर, नव्वद ते शंभर शंभरच्या दरम्यान एक ही प्राइम नंबर आहे नाइन्टी सेवन. एटी टू नाइन्टी ओनली वन प्राइम नंबर, एटी थ्री टू एटी नाइन. कितनी इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, सिर्फ ये याद रखना है 44, 22, 32, उसका उल्टा 23, 23 एंड 21.
इस ट्रिक से हमको याद रहेगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है तो द क्वेश्चन कम्स टेल मी हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स है, क्वेश्चन है। ट्रिक सोपी है, ढूंढ गया 1 to 10। 1 to 50 इतपर्यंत किती प्राइम नंबर्स है बेरीज करा। 4, 4 plus 8, 8, 10, 12, 15 प्राइम नंबर्स है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टेल अस द प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 60। 30 to 60 के बीच में प्राइम नंबर्स सांगा, कितनी प्राइम नंबर्स है, टेल अस हाउ मेनी प्राइम नंबर्स। सो वी नो 30 to 40 कितने हैं, 2। 40 to 50 3, 50 to 60 2, 2 plus 3 5, 5 plus 2 7। सो कितने प्राइम नंबर्स हुए, 7 प्राइम नंबर्स। और एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनिंग 50 to 100 कितने प्राइम नंबर्स है, इफ यू ऐड फ्रॉम हियर 2, 2, 3, 2, 1 इट कम्स 10 प्राइम नंबर्स। 50 to 100 कितने प्राइम नंबर्स है, 10। सो ऑलवेज रिमेंबर द ट्रिक हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स रेंज जब दी है 1 to 10 4, 10 to 20 40, 4 सॉरी। सो फ्रेंड्स 44, 22 उसका आधा, 32 उसका उल्टा, 23 एंड द लास्ट 21, इससे वी कैन फाइंड आउट। अजून एक लक्षात ठेवा, 1 to 100 याच्या मध्ये 25 प्राइम नंबर्स आहे, 1 to 50 मध्ये 15 प्राइम नंबर्स आहे। आता पाहूया आपण प्राइम नंबर्स चे अजून काही क्वेश्चन्स। फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इज, कभी कभी क्वेश्चन कम, टेल अस द एडिशन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 ते 100 ह्या प्राइम नंबर्स, जितके प्राइम नंबर्स आहे त्यांची बेरीज किती आहे, तर लक्षात ठेवा वेळ नसतो परीक्षेमध्ये सगळं बेरीज करण्यासाठी, तर 1060 ही संख्या लक्षात ठेवा। 1 ते 100 25 प्राइम नंबर्स आहेत, 25 मूळ संख्या आहे, त्यांची बेरीज इतकी होते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो येऊ शकतो, शक्यता आहे, आपण जस्ट वेगवेगळे प्रश्न पाहत आहोत मूळ संख्येवर। एवरेज सरासरी सांगा, टेल द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स विच हॅज 3 इन इट्स युनिट प्लेस। असे प्राइम नंबर ज्यांच्या युनिट प्लेसला, म्हणजे एकेरी संख्येला 3 आहे इन अ 2-डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मध्ये ज्यांची युनिट प्लेस में 3 है, ऐसे प्राइम नंबर्स का एवरेज बताइए। सम नहीं पूछा है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग असतात, एवरेज पूछा है। सम फार इजी है, सगळे 2-डिजिट नंबर पहा, कोणते कोणते आहे ज्याच्या युनिट प्लेसला 3 आहे, तर 13, 3 नाही कारण हा सिंगल डिजिट आहे, 2-डिजिट नंबर आहे, 13, 23, 43, 53, 73, 83 सगळे नंबर लिहिले आपण। 13, 23 किती नंबर्स आहेत, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर टोटल करा, ऍड बेरीज करा, वी डिड बेरीज केली, याची बेरीज आली 288, किती आली 288। ऍडिशन विचारलं नाही आपल्याला, ऍव्हरेज सरासरी विचारली आहे, तर ऍव्हरेज कसं काढायचं, द ऍडिशन डिवाइडेड बाय द नंबर, टोटल नंबर्स किती नंबर्स आहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नंबर्स आंसर काय येईल, 288 ला 6 डिवाइड केलं तर 48। सो व्हॉट इज द एवरेज, 48। व्हॉट इज द सम, बेरीज किती आहे, 288। कधी कधी क्वेश्चन्स ट्विस्ट करून विचारतात, सम न विचारता, बेरीज न विचारता सरासरी विचारतात, कभी कभी एवरेज नहीं पूछते तो सम पूछते हैं, एडिशन पूछते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, ऐसे क्वेश्चन्स आ सकते हैं, असे क्वेश्चन्स येऊ शकतात। नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये भेटूया परत एका नवीन टॉपिक मध्ये, गणित फार इंटरेस्टिंग आहे, व्हिडिओ पाहत रहा आणि शिकत रहा।